हेलो एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है साइलोग्राफी साइलोग्राफी के इंट्रोडक्शन इंडिकेशन इंडिकेशन व इसको करने के प्रोसीजर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें व रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व इसके बेलाइकन पर क्लिक करें तो आइए जानते हैं साइलोग्राफी के बारे में साइलोग्राफी साइलोग्राफी में स्लेवरी ग्लैंड का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जाता है स्लेवरी ग्लैंड हेड के दोनों साइड चिक और जा या जबड़े के नीचे स्थित होती है स्लेवरी ग्लैंड का, का काम माउथ में स्लाइवा मतलब लार को रिलीज करना होता है साइलोग्राफी के दौरान स्मॉल अमाउंट मतलब छोटी मात्रा में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को स्लेवरी ग्लैंड में इंजेक्ट किया जाता है स्लाइवरी ग्लैंड टू टाइप के होते हैं मेजर स्लैरी ग्लैंड और माइनर स्लायरी ग्लैंड मेजर स्लैरी ग्लैंड में तीन ग्लैंड होते हैं पैरोटिड ग्लैंड मैंडिबुलर ग्लैंड और सब ग्लैंड जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह स्लैरी ग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है मतलब स्लेवरी ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है माइनर स्लायरी ग्लैंड में लेबियल ग्लैंड लिंगुअल ग्लैंड और बकल ग्लैंड होते हैं अब इंडिकेशंस की बात करते हैं मतलब साइलोग्राफी को किन किन कंडीशन में करवाना चाहिए साइलोटिथियासिस मतलब स्लेवरी ग्लैंड में स्टोन या पथरी होने पर स्लाइवरी ग्लैंड में मास व लीजन देखने के लिए स्लाइवरी ग्लैंड में दर्द और स्वेलिंग मतलब सूजन आने पर स्लेवरी ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन मतलब लार ग्रंथि में रुकावट होने पर सस्पेक्टेड स्टिक्चर्स या स्टेनोसिस मतलब ग्लैंड सिकुड़ जाने पर स्लेवरी ग्लैंड के फंक्शनल डिसऑर्डर देखने के लिए दर्द और फेसियल स्वेलिंग होने पर इन सभी कंडीशन में साइलोग्राफी करते हैं अब इंडिकेशंस की बात करते हैं मतलब साइलोग्राफी को किन किन कंडीशन में नहीं करवाना चाहिए सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया मतलब बॉडी के प्रति कॉन्ट्रास्ट मीडिया संवेदनशील होने पर साइलाडेनाइटिस मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर स्लेवरी ग्लैंड में एक्यूट इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होने पर अब यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ में स्पोर्टफिलम डिवाइस लेक्रिमल डक्ट डायलेटर, आयोडिनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया टॉपिकल अनेस्थेसिया कैनुला टू सी सी लेमन जूस या सिट्रिक एसिड गाउज स्टेराइल टावल माउथ वॉश और नॉर्मल स्लाइन ये सभी इक्विपमेंट साइलोग्राफी करने के लिए होने चाहिए अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं साइलोग्राफी में आयोडीन बेस या ऑयल बेस कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है आयोडीन बेस में आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूरोग्राफिन और नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आयोहेक्जोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया जाता है ऑयल बेस में लिपिडोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं मतलब साइलोग्राफी एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है एग्जामिनेशन के दिन पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा प्रोसीजर की परमिशन के लिए पेशेंट से एक कॉन्सेंट फॉर्म भरवाना चाहिए पेशेंट को माउथ वॉश के द्वारा मुँह से कुल्ला करने के लिए बोलना चाहिए पेशेंट के फाल नोज पिन ईयर रिंग्स हेयर पिंस को रिमूव करवाना चाहिए अब प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं मतलब साइलोग्राफी को कैसे किया जाता है इसके लिए पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी टेबल पर सुपाइन पोजिशन में माउथ को खुलवा कर लेटाया जाता है फिर ग्लैंड की एक स्काउट फिल्म ली जाती है यह फिल्म एग्जामिनेशन से पहले पैथोलॉजी देखने के लिए ली जाती है उसके बाद स्लेवरिग्लैंड औरफा या छिद्र में टॉपिकल अनेस्थेटिक स्प्रे के साथ अनेस्थेसिया दिया जाता है यदि डक्ट ओरिफाई या छिद्र दिखाई नहीं देता है तो ओस्टियम के सही लोकेशन का पता लगाने के लिए लेमन जूस दिया जाता है फिर माउथ में ओपन होने वाली स्लेवरी ग्लैंड डक्ट में कैनुला डाला जाता है फिर फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए वन से टू एम एल मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है इसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना चाहिए फिर स्पॉट फिल्म और फेस का रेडियोग्राफ लिया जाता है इसमें एपी मतलब एंटेरियो पोस्टेरियर लेटरल और ओब्लिक फिल्म ले जाती है अब पेशेंट आफ्टर केयर की बात करते हैं पेशेंट के माउथ से कैनुले को रिमूव करना चाहिए पेशेंट को माउथ से कोला करने के लिए बोलना चाहिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स टेबलेट देनी चाहिए जिससे पेशेंट को एग्जामिनेशन के बाद दर्द ना हो अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं मतलब पेशेंट को साइलोग्राफी करते टाइम क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है स्लाइवरी ग्लैंड डक्ट रक्चर मतलब डक्ट टूट सकता है जिस साइड इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कारण साइलोग्राफी में सूजन आ सकती है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें व इसके आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ